नमस्कार प्रणाम, एक बार फिर से सब लोग के स्वागत है मगही आईपीएल अखाड़ा 2020 जेकर स्पॉन्सर हत मुखिया जी के भोज भात। तो आज के शो शुरू करल जाओ, सबसे पहले तो कल के मैच के पहले चर्चा करल जाओ भैया। कल के मैच के समरी पहले बता दो जल्दी से। कल के मैच के समरी, दिल्ली हलवा राजस्थान, दिल्ली पहले बैटिंग कर ली, दिल्ली पहले बैटिंग कर लवा में धवन बढ़िया खेलन और अय्यर ठीक खेलन, दू जानी बढ़िया खेलन। तो 161 रन बनेलन, बहुत मतलब अंतिम में फिनिश सही ना होले, फिर भी 161 रन 7 विकेट के नुकसान पर लगा है कि बनेलन 20 ओवर में। हाँ, जोफ्रा आर्चर के बॉलिंग बढ़िया हलवा, 3 विकेट ले लई, उनादकट भी 2 गो। एक जवाब में 148 हम बना पलन राजस्थान, मात्र 148 रन। तेवतिया शो कल न चल रहा, तेवतिया शो एकदम मतलब लगली बल्कि तेवतिया शो वर्सेस यंगिस्तान चलता हुआ। हाँ हाँ, इधर एकदम तेवतिया शो कल एकदम न चल रहा, 18 बॉल 14 रन है ना, मतलब एकदम मैच फिनिश। सबसे बड़का नोकिया बैग ले बॉल 153 के, आज तक कहियो आईपीएल में होबे न कलिया, सबसे तेज बॉल कल है वो नोकिया फेकल है ना। तो एकदम मतलब लचर प्रदर्शन लाइन राजस्थान के बढ़िया, मतलब दिल्ली यंगिस्तान जो कहल जाए थे कि इस बार की टीम है मुंबई दिल्ली, मतलब तो एकदम पहले 161 रन तो बने ना देले, ना बने देले सही, लेकिन ऊपर बढ़िया हो जाए तो जिनको खिलाड़ी बाहर हो ले चोट से, कल से सैयर के भी चोट लग गई है, दुए तीन गोल लगा गेबे करा थप्पा थप्पा दुए में 30-32 रन। हां हां, थप्पा सैमसन तनी सा खेलन हल्का फुल्का, बाकी सब लोग तेवतिया सोच से जे आर्चर रहले नहीं खेलला, बत नहीं स्टॉक से नहीं खेलला। तो मेन वजह का रहले हो जैसे ई पिच पर एको खासियत हो, 160 प्लस बनाई थे आले चेन्नई को जीतवे कर है ना, औकात कोई टीम ना मिले फिनिश कर। अच्छा, यही एगो खासियत पीछे गई है। हाँ, अब मेन मुख्य अगर वजह कहल जाओ कि मैच के टर्निंग पॉइंट कुछ हुई सर, तो टर्निंग पॉइंट देख तेवतिया तो मैच ले गेलन धीरे धीरे खेल के ले गेलन कि लास्ट में फिनिश करम, तो वही मतलब हमारा तो टर्निंग पॉइंट स्टॉक आउट होल बढ़िया खेली थली, टच में कल खेली थली स्टॉक आउट हो गए। हाँ, आउट हो गए, तो बाकी तो तेवतिया आज तो है ना भाई, 2-3 मैच जीत अल तेवतिया, माने निराश करे वाला मैच है ना। हाँ, कल है ना, मजा ना दिलवा, मजा ना दिलवा। आईपीएल का बाडा भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, दिल्ली में भी मजा ना दिलवा, उतना बढ़िया खेली था लेकिन मैच नहीं, 161 रन लगल कि 180-185 कम से कम बनाए थे लेकिन 161 पर आ गए। ज्यादा कुछ चर्चा वाला हमें लगे कि मैच में ना, मैच ना तो निराश करे वाला, ये चलते जाते मैं स्लो टॉप पर चल गए, फिर कल 2 अंक जीत के यंगिस्तान चल गए टॉप पर। अब आने वाला मैच की अभी चर्चा भी करल जाओ, सबसे पहले तो भैया तू कैसे कल कैसन क्वेश्चन पूछ देल हुआ कि इतनी साल है देखा तू लोग कल के आंसर देला है। महंगा खिलाड़ी में दोनों हले, वरुण चक्रवर्ती आउ जने उनादकट दोनों साथे हले, इंडिविजुअल दोनों हले, तो तू लोग कोई ए वो देला है कोई आधा लोग बेन स्टॉक्स बोल देला है जे कि 2017 के है। हां, लेकिन एक बात देखो भैया, कमेंटवा सब का लगल तो उड़ा देल थी लोग। हां, कमेंट सब लोग करे हो गेले। हां, कमेंट लोग पूरा दे लो, तब कुछ देखा कमेंट तो पूरा दे है लेकिन तैयो खुश नहीं हुआ, खुश नहीं कहे कि कुछ लोग खाली विकेट बॉल ऐसे ऐसे भेजवे के कमेंट करला है, जे करला है कुछ लिख के करा, चाहे कुछ मतलब जे मन में है वो लिखा, ठीक ना, बढ़िया चीज लिखा। अब ऐसी 3 गो विकेट के एगो कमेंट कर दिली, एगो 3 गो बॉल के कर दिली, एगो अथी कर दिली, ना देखा दिन देते वाला काम ना देखा, कारण है कि आज जो देखा भैया ना, तो सब लोग उनकरो टीचर हाथी तो उनकरो ट्रेनिंग चली थी, हम लोग के भी अपना न्यूज कवर में रही थी, लेकिन तैयो काम तोरा पर छोड़ ले, शूट करके अपलोड कर देबू हम लोग, आ प्रमोशन तुम लोग का छोड़ ले, कुछ तारीफ में लिख, कुछ मतलब अपना बारे में लिख, कुछ मैच के बारे में, मैच के तारीफ करा, कुछ जो नॉलेज है वो बताओ, तो ये सब चीज कुछ बताओ, खाली 3 गो विकेट के खैर तो ई हो गल बा, थोड़ा नाम इनाम भी निकाल दे बुआ, लेकिन थोड़ा सा समय लगता बा अभी, कैसे कि अब आज के मैच पर बुआ, आज के मैच के क्या में है भैया, आज के मैच बेंगलोर और पंजाब में हो, जैसे बेंगलोर पर क्या बात हो गया, मैच शारजाह में हो, शारजाह में मैच हो, बेंगलोर पहले तो छोट भाई है, तो पहले का अनुमान हम लेवल जाले कितना एक अनुभव है कि 200 तो मारबे करता हो कोई टीम खेलता हो, आज क्रिस गेल तो आज जीतते के हो, लेकिन एक बार बताओ अस्तोस 2 मैच से है 200 न लग लवा है, जेट शारजाह में खेला तू नहीं, 200 न लग लवा, लेकिन आज भैया टीमो तो उसे नहीं, आज क्रिस गेल आवी थी सबसे बड़का बात है, ठीक है लेकिन मैच हले ना, दिल्ली के भी मैच हले, राजस्थान के मैच हले, मतलब कलकत्ता के मैच हले, बेंगलोर के मैच हले, तो भैया तू का कहे तू कि आज आरसीबी ने मारती 200 हमारे लाले कही थी, अपने टीमों आप या संख्या कर लेते बता, वो बहुत गलत बात है, सिचुएशन है वो हम बतावी थी, सही बात है 200 ना गए शुरू के मैच में 200, लेकिन बीच अब वहां के का होले कि थोड़ा हो गए स्लो
ठीक है ना, तब दो मैच से चार टीम तो है, लेकिन चार टीम में कोई दूसरा ना बना पा रहा है। दोनों टीम में बॉलिंग पक्ष बढ़िया नहीं है, जा सकता है भाई। ना ना आंकड़ा के हिसाब से सही बोल रहे हो। बेंगलोर कलकत्ता एक बार है मार ले, बेंगलोर डिविलियर्स ले 195 ही मार ले, दूसरा कहां गए ले। ना सही बात है, अभी तक ले, लेकिन आज का अनुमान लगाओ लगते कि तगड़ा मैच होत का है, कैसे कि गेल भी आ गई है, तो की उम्मीद है एगो बढ़िया खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है। बेंगलोर बा खींच में ही ना, पंजाबवा से हार गए, बड़का बड़ा पूरा बुरी तरह से जे राहुल शतक मार दल है, तब आज खींच में भी है, बदला लेवे के मौका है, कोहली उली भी आ गई है अपना, हाँ रंग में है, मोरिस एगो आ गई है, तो टीम थोड़ा सा संतुलित हो गई है, मोरिस का है की बॉलिंग बैटिंग भी कर लो है। तब आशुतोष अनुमान ये बताओ कि कौन खिलाड़ी आरसीबी में चल सके है। कोहली जैसे टच में होता है फिर मारता वो, फिर मारते ही फिक्स है, और ओकर बाद फिर तो डिविलियर सही है अपन। अच्छा 160 और कोहली के तो तू कब हो क्या चलता है, बॉलिंग के कर स्ट्रांग है, आज देखा बैटिंग के तो हम आज आज के मैच में स्पिनर का दबदबा फिर रहता वो, ठीक है। दोनों टीम में से कौन भारी बॉलिंग के हिसाब से? बॉलिंग के हिसाब से भारी रहता वो बैंगलोर है, कहे कि दो मैच से देख लो होवे, वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग अच्छा जगह पे उसको दे रहा है, वाशिंगटन सुंदर अचहल दोनों मतलब टॉप स्पिनर है, वो में भी है रवि बिश्नोई, तो नया है तभी ऐसा बात ना है, बढ़िया करी था, लेकिन हम बॉलिंग भी इस बार भारी है वो बैंगलोरे के, अब बैटिंग भी भारी बैटिंग है, दोनों तरफ से वही भारी का एग्री हो एकदम भैया से एग्री हो, तो माने भी मैच एक तरफा के उम्मीद है ना, एक तरफा ना लेकिन मैच हो जाएगा। देखिए बैंगलोर बैंगलोर के का है कि बैंगलोर के अभी पल्लिकल कोई मैच में पल्लिकल खेली थे, फिंच खेल जाए थे, डिविलियर्स खेली थे, कोहली खेली थे, मतलब टीम अभी संत ठीक खेली थे, तब ना पाँच गो की पंजाब के का दिक्कत है, मयंक अग्रवाल राहुल ओके बाद कोई खेल ना पावी थे, खेल ना पावी थे ओके बाद कोई नहीं बैट बैट्समैन ने जो खेल पावी थे, आज के भी सारा दामोदर होतो वो उन करे पर मयंक अग्रवाल और का कही तो भैया कि क्रिस गेल ओपनिंग कर दी ना, देखा खेला तो ओपनिंग तो के बाद में जल्दी थर्ड खेला वो 4-5 पर ओपनिंग आवे को राहुल 3 पर था, मयंक अग्रवाल खेलता नहीं कभी, अनुमान लगाओ जाई थे कि क्रिस गेल अगर खेलतन तो ओपनिंग आता राहुल जो है अपना नीचे आ जाता, क्रिस गेल आलन कल है तो चलते बोला जाई थे, अच्छा वो अपना रे ना है 3 पर ओका खेला हूं तब बाकी तो आओ कुछ कल के मैच में चेकहु लाइक ना है, तो आज के एपिसोड भी बहुत छोटा होत बा, जल्दी जल्दी में थोड़ा शॉर्ट भी हुई थी, तो भैया पहले इनाम निकाल दबू कि पहले सवाल पूछ दबू, ना तो पहले इनाम पहले इनाम निकाल दो, तो लो आज आज आशू के हाथ से निकाल दे, तो निकाल दे भैया, हां निकाल दो ना के है स्टडी ऑनलाइन, चलिए स्टडी ऑनलाइन अब नाम तो ना पता है लेकिन स्टडी ऑनलाइन, हाँ तो तू आवा आके इनाम ले जा, ठीक ना, दो लोग के पेंडिंग में हवा, दो लोग आके ले जा, बाकी तो तू क्लियर हवा, ये दो लोग के पेंडिंग हवा, तो आके इनाम अपना ले जा जल्दी से, इनामो लेवे में तू लोग कंजूसी है, हां कंजूसी मत करा, आके ले जा स्टडी ऑनलाइन, अब बाकी अब निकाल के पढ़ूं, ये हवा बिहारी रोशन कुमार देखा था, पिंटू कुमार जी के भी सही आंसर हलवा, खुशबू सिंह जी के भी सही आंसर हलवा, आंसर बहुत कम आ गया, राजीव कुमार जी के भी ठीक हलवा, मुस्कान शर्मा माने बंको सही आंसर है बबुआ के, तो बाकी अब क्वेश्चन पर बबुआ भैया क्वेश्चन पर पहले क्वेश्चन पूछ दी वाई जी पूछी थी वह बढ़िया देवा देखा लेकिन कल हूँ मतलब तो लोग ठीक कर ला, कल गूगल से बहुत कम लोग सर्च मार लाने अपने से दिला ने जे याद आयल है ये अच्छा बात है, तो क्वेश्चन है कि 2019 के आईपीएल में सबसे ज्यादा चौका कौन खिलाड़ी मारा वाह चला ठीक है ना ये बतावे ला हुआ निकाला लो 2019 में सबसे ज्यादा चौका कौन खिलाड़ी बनाया ये तोरा बतावे ला हुआ इसमें सबसे ज्यादा चौका लगावे वाला खिलाड़ी के नाम बतावा आठ सेट ले जा सही है भैया, तो आज तो इतना कमेंट कुछ हले बढ़िया कमेंट हले दो चार को बढ़िया कमेंट हले गेल के बारे में लिखी है कि हमने क्रिस गेल को एक तरफ डब से धोया बहुत करिया है डब साबुन से धोलनी हमने क्रिस गेल को एक तरफ डब से धोया फिर बस फिर क्या फिर डब को दो बार टाइट से धोना पड़ा बहुत रंग छूटा है क्रिस गेल में वाह वाह एक और बड़ा बढ़िया कॉमेडी लिख लेन है लड़की स्कोर कितना हुआ है लड़का आई लव यू टू लड़की व्हाट नॉनसेंस
लड़का पगली 143 पर दू विजेता बनकर थैंक यू सो मच। और जब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हम लोग के लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है आप लोग का मनोबल बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कितना बढ़िया बात बोला, यही कमेंट जो है हम लोग का एनर्जी और कर दिया। और सच में मेरा भी आप लोग से एक अलग जुड़ाव हो गया है वीडियो के माध्यम से। लगता ही नहीं है मुझे कि मैं मोबाइल का वीडियो देख रहे हूँ, ऐसा लगता है जैसे वहीं हूँ अखाड़ा में। और हाँ, राकेश जी के स्टाइल में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया बात मनोबल बढ़ाने के लिए। चलिए तो और भी बहुत सारा कमेंट है, बाकी लोग भी कमेंट करा। सही बात है, सब लोग के कमेंट पढ़ल जाता हुआ, बढ़िया बढ़िया कमेंट करा, जैसे जो कुछ खोला फिर माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा हल्का फुल्का हो जाए मूड। बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा काम के रहा है, ना रात में बढ़िया से सो पावी थी, ना बढ़िया से मतलब कुछ। अभी तक हम लोग मान के चलो कै बजे 10:30 हुई था, अभी तक ब्रेकफास्ट ना कर लिया, डायरेक्ट आके यहाँ सुन कर लिया। आनंद किशोर भाई भी लिखल है बढ़िया बढ़िया। देखा अभी आनंद किशोर भाई के अभी सोची चली क्या, आनंद भाई के आज कमेंट नहीं कैसे आनंद भाई बिना लिखले रहा है। सच्चाई है कि हम तो कमेंट ना पढ़ पैली भाई, भैया लोग पढ़ी था, तू कह कि हम तो बाहर ही रह। हमनी रोज इतना करी थी मेहनत आ तू लोग कर दे था लाइक कमेंट शेयर में कमी, ये बहुत गलत बात हव। आ अगर तू लोग करित रह लाइक कमेंट आ शेयर तो आज 150 कमेंट करके दूर के जा हमनी के गलत फहमी। वाह बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट, बढ़िया लगा है, बढ़िया बढ़िया। तनी शेयर कम है, शेयर लोग बढ़ा दहू आज के वीडियो में अपने। अब इजाजत ना भैया, इजाजत चाहिए।